हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सी एस स्टडी हब। सो गाइज, अभी एक नोटिस आया है विद्या विकास समिति झारखंड के वेबसाइट पे कि जो भी कैंडिडेट टीजीटी के लिए अपियर हुए थे रिटर्न एग्जाम के साथ इंटरव्यू में, उनका रिजल्ट नोटिस आ गया है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनका रिजल्ट आ गया है। सो आप देख सकते हैं, ये विद्या विकास समिति झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आचार्य चयन टीजीटी 2021 रिजल्ट नोटिस आ गया है और यहाँ पे रिजल्ट का भी है। सो इसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, आप देख लीजिए। ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आचार्य चयन परीक्षा 2021 के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची। यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है गाइस, आप देख सकते हैं। अपना रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं और आप प्लेस देख सकते हैं जहां से आपने अप्लाई किया था। सो ये लिस्ट जारी हो चुका है। आप अगर अप्लाई किए थे और इंटरव्यू में अपियर हुए हैं तो जरूर आप इस इंफॉर्मेशन को एक बार चेक करें। ओके, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका भी हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्कूल से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट स्कूल से रिलेटेड या असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, तो मैं इस यहाँ पे अपलोड करता हूँ वीडियोस। उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं अपडेट करता हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दी फ्यूचर अपडेट रिलेटेड टू द स्कूल वैकेंसीज और असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ एक और नोटिस जारी हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिए। अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है, यह वरीयता सूची लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा एवं शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर है। मतलब जिन्होंने लिखित परीक्षा दिया था और इंटरव्यू में शामिल हुए थे और प्रमाण पत्र जो आपका वेरिफिकेशन हुआ था उसके आधार पर यह सूची जारी हुआ है। यह वरीयता सूची आगामी दो सत्रों में पूरे झारखंड प्राप्त के किसी भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हेतु है। यह झारखंड के किसी भी शिशु विद्या मंदिर के लिए है, जैसा कि पहले भी पता था इस वैकेंसी के बारे में। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, उन्होंने मेंशन किया है कि चयनित अभ्यर्थियों को विद्या विकास समिति झारखंड द्वारा आयोजित नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग में सफलतापूर्वक भाग लेना होगा, जो जनवरी 2022 माह में संभावित है। प्रशिक्षण में शामिल होने की आवश्यक योजना बना लेंगे। सो ऐसा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि जनवरी माह में स्टार्ट हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कर लें। प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेने संबंधी पत्र एवं आवश्यक निर्देश समय समय पर वेबसाइट पर प्राप्त किए जा सकेंगे। सो प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेने के लिए जो भी आगे की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इनके वेबसाइट पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके, सो एक बार फिर से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हुआ है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के लिए विद्या विकास समिति झारखंड की ओर से। ओके, सो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच।